इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने बुधवार को भारतीयों के रंग को लेकर टिप्पणी की थी। कांग्रेस ने भी उनकी टिप्पणी से किनारा कर लिया था। हालांकि इस्तीफा देने के बाद भी पित्रोदा अपनों के निशाने पर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं उनके बयान से असहमत हूँ, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि जब आप गांधी परिवार से जुड़े होते हैं तो बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, आपको कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना होगा। सैम पित्रोदा ने जो कहा है उससे मैं बिल्कुल असहमत हूँ, उन्होंने बकवास की बात की है। जो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा हो वो ऐसा कैसे कह सकता है। वाड्रा ने कहा कि वो राजीव गांधी के बहुत करीबी थे लेकिन उन्हें थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके एक बयान से बीजेपी को अनावश्यक मुद्दे उठाने का मौका मिल सकता है। सैम पित्रोदा ने बुधवार को एक इंटरव्यू में कहा, हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं। जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरे और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। कांग्रेस ने हालांकि पित्रोदा की टिप्पणियों से खुद को अलग करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया। पार्टी ने कहा कि वो इन टिप्पणियों से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने चुनावी रैली में कहा था, देशवासी त्वचा के रंग के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं खुश हूं कि केएल शर्मा अमेठी से और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूं और जहां भी मैं गया हूं लोगों को लगता है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी मेहनत की है और 2004 हम सोनिया गांधी को अमेठी से जिता कर लाए, तब से लोगों ने हमें बहुत प्यार इज्जत दी है। मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं और दुनिया से लोग आते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि वो हमसे मिले। मैं बराक ओबामा नेल्सन मंडेला से भी मिला हूं तो लोग उनके साथ भी आरोप लगा सकते हैं। आपके बारे में भी हमारे पास कई जानकारियां होती हैं लेकिन हमने कभी इसे सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि मैं महिलाओं के बारे में कभी कुछ नहीं कहता हूँ।